जो गलती मैंने की थी वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना फ्रेंड्स। मैं सिर्फ आज ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती जो गलती मैंने की वो आप भी करें। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दी हमारी हेयर की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है या हमारे हेयर रीग्रो नहीं कर रहे, हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हम इतनी सारी रेमेडी यूज करते हैं फिर भी हमें कोई फर्क नहीं दिखता है, पता नहीं क्या है, आप बेकार रेमेडीज बताते हो या कुछ भी अगर आप जो भी बोलते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ, अगर जो गलती मैंने की थी अगर आप भी वही गलती कर रहे हैं तो आप पर ना कोई होम रेमेडीज वर्क करेगी ना ही आप पर मार्केट की कोई भी रेमेडी काम करेगी, ठीक है ना, अगर आप यह गलती करते हैं तो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो, मैं हूँ आपकी दोस्त शीतल शर्मा, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं ना तो फिर आप सारी रेमेडीज करना बंद कर दीजिए क्योंकि आप यह गलती करना तो बंद करेंगे नहीं। अगर आप यह गलती करना बंद कर देते हैं तो फिर जिस तरीके से मैंने आपको होम रेमेडीज बताई हैं आप उसी तरीके से अपनी इन रेमेडीज को ट्राई कीजिए, आपके हेयर काफ़ी अच्छे लंबे घने मजबूत हो जाएंगे। मैंने अपने हेयर को होम रेमेडीज से ही ठीक किया था, मेरे हेयर की ये हालत हो गई थी फ्रेंड्स, जैसे मैं अपने बालों को हाथ लगाती थी तो बाल हाथ में आने लगे थे, कंघे करती थी तो इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, हेयर की ग्रोथ रुक गई थी। फिर जब से मैंने होम रेमेडीज को यूज किया है तब से मेरे हेयर काफ़ी अच्छे लंबे घने हो गए हैं। 2013 में मैंने अपने हेयर की हालत ख़राब कर ली थी, फिर उसके 2015 से मैंने होम रेमेडीज का इस्तेमाल किया जिसके बाद मेरे हेयर अच्छे खासे हो गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपको क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी पार्लर जाते हो तो पार्लर जाते समय जब आप कटिंग कराते हैं तो कभी भी गलती से अपने बालों को मशीन ना कराएं, ठीक है ना, अपने बालों पर मशीन ना लगवाएं। फिर दूसरी चीज जो हमें आजकल क्या क्रेज है कि बाल कर्ली करने का, बाल स्ट्रेट करने का, तो बहुत ज़्यादा मतलब उस मशीन का यूज करने से हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं और हेयर की ग्रोथ रुक जाती है। फिर चाहे आप होम रेमेडी यूज कीजिए चाहे मार्केट की कोई भी शैम्पू ऑयल यूज कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर हम रोते हैं कि हमारे हेयर पर कोई रेमेडीज वर्क नहीं कर रही है। आप नेचुरल तरीके यूज कीजिए जिससे आपके हेयर कर्ली होंगे, आजकल बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप नेचुरल अपने हेयर को कर्ल कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको हेयर ड्रायर ज़्यादा नहीं करना है बालों को सुखाने के लिए, आप नेचुरल तरीके से उन्हें सूखने दीजिए, ठीक है ना। हेयर ड्रायर का ज़्यादा यूज करते हैं तो हेयर हमारे बेकार हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और हेयर की ग्रोथ रुक जाती है। फ्रेंड्स आपको बस यही गलतियां नहीं करनी है, आपको मार्केट का केराटिन यूज नहीं करना है, अपना घर पर ही केराटिन बनाइए। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जिससे आप केराटिन करके अपने हेयर को स्ट्रेट कर सकते हो, कर्ल कर सकते हो। आप होम रेमेडीज ट्राई करके अपने हेयर की ग्रोथ कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।